नमस्कार, वेलकम टू जस्ट डिलीशियस। आज मैं आप लोगों के साथ करेला की दो प्याजी का रेसिपी शेयर करूंगी। ये इस तरह से खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, करवाहट भी नहीं होता है, पर जरूर बना के खा कर देखिएगा। बच्चे भी करेला खुश होकर खाएंगे। रेसिपी देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम करेला ले लिया है। करेला को स्लाइस में पतला इस तरीके से हम काट लेंगे, बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा पतला नहीं काटेंगे। करेला की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, और साथ ही डालेंगे 1/2 नींबू का रस। अच्छे से हम हल्दी, नमक और नींबू के रस को मिक्स कर लेंगे करेले में, और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, फिर हम रेसिपी शुरू करेंगे। तो मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इस तरह से आप करेला बनाओगे ना, जो भी करेला नहीं खाता है वो भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। एक बार आप जरूर बना के देखिएगा, रोटी पराठा किसी के साथ भी आप खाएंगे ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, नमक हल्दी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम 15-20 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, फिर रेसिपी शुरू करते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, आप करेला को हम अच्छे से निचोड़ते हुए दूसरे प्लेट पर रख लेंगे। आप जितना अच्छे से निचोड़ सकते हो उतने अच्छे से टाइट हाथों से निचोड़ लीजिएगा, और एक दूसरे प्लेट पर रखते जाएंगे। देखिए कितना एक्स्ट्रा पानी निकला है, पानी को हम एक साइड पे रख देंगे। हम करेले पे डालेंगे 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसके बदले में चावल का आटा भी यूज कर सकते हो। फिर डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ना ही बेसन और कॉर्नफ्लावर डालेंगे, जिससे सब करेला अच्छे से कोटिंग हो जाए, ठीक इस तरीके से। मसाले अच्छे से मिक्स हो गया, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब हमने एक कढ़ाई पर तेल चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए, जिसमें हम करेला को फ्राई करेंगे। जब अच्छे से गरम हो जाए अब हम इसमें डाल देंगे करेला। करेला एक बार में जितना आराम से फ्राई हो सके बस उतने ही करेला हम एक बार में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम करेला लिया है, इसको 2 बैच में मैं फ्राई करूँगी। तो करेला हमने डाल दिया है, अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई करके कलर चेंज होने तक करेला को फ्राई करेंगे। करेला को ना हम इस तरीके से बीच बीच में पलटते हुए फ्राई करेंगे, जब तक करेला अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब करेला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गया है। अब हम निकाल कर एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है सारा टिश्यू पेपर पर आ जाए। तो आपको इसी तरीके से सारे करेले फ्राई कर लेने हैं। आप अगर चाहे तो चाट मसाला थोड़ा स्प्रिंकल कर ऐसे भी क्रिस्पी करेले स्नैक्स के तौर पर खा सकते हो। लेकिन हमें यहाँ करेला 2 प्याजा बनाना है, इसलिए हम एक दूसरा पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहे तो दूसरा भी कोई वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर तेल जब गर्म हो जाए फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, और डालेंगे 1/2 चम्मच राई यानी कि काली सरसों, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच साबुत जीरा, और 1/4 चम्मच कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड। इनमें से किसी का भी फ्लेवर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। खड़े मसालों के चटकते ही हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज के प्याज को पतले पतले स्लाइस करके कट करके। गैस का फ्लेम हाई करके हम प्याज को फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। प्याज का कलर जब चेंज होकर अच्छे से फ्राई हो जाए उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे भी अच्छी तरह प्याज के साथ 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। फिर उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही में कलर के लिए डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चॉप किए हुए हरी मिर्च, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च को 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, साथ ही में जाएगी 2 मीडियम साइज के टमाटर को ग्रेट करके लिए हैं वो हम ऐड कर देंगे। टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिलाकर 2 मिनट तक भून लेंगे। फिर टमाटर के साथ हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, नमक डालकर भी टमाटर के साथ नमक को मिलाकर अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम फ्राई कर लेंगे। एक बार जरूर इस तरीके से करेले को बना के देखिएगा दोस्तों, रोटी पराठा सबके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। टमाटर जब अच्छे से मैशी हो जाए तब उसमें हम डालेंगे एक एक करके सूखे मसाले, जैसे 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाले हैं, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाले हैं, और खटाई के लिए 1 चम्मच हमने आमचूर पाउडर डाले हैं, जिससे बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। फिर हम सबको अच्छे से मिला देंगे। हम मसालों में 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं। फिर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक देंगे।
चार से पाँच मिनट बाद ढक्कन निकालकर हमारे टमाटर अच्छे से मैशी हो गए हैं, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। एक मीडियम साइज के प्याज को ऐसे हमने मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और उसके बाद मैंने सभी कलियां अलग कर लिया है। मसाला जब अच्छे से भून जाए हम सारे प्याज के कलियां इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छे से उसे मिला देंगे, क्योंकि हम करेला दो प्याजा बना रहे हैं। एक बार हमने प्याज शुरू में डाले थे और एक बार अब डाले हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए क्रिस्पी करेला। देखिए करेला कितने अच्छे से क्रिस्प होके फ्राई हुए हैं। ऐसे जब हम मुट्ठी में लेकर तोड़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करेले हमारे फ्राई हुए हैं। अब हम इन करेलों को मसालों में ऐड कर देंगे। अब अच्छे से करेलों को प्याज के साथ और मसालों के साथ मिलाकर अब हम इन्हें लो फ्लेम करके दो से तीन मिनट तक ढक देंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस दो से तीन मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर ढक देंगे ताकि प्याज भी हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए और करेले भी अच्छे से मसालों के साथ मिलके जूसी हो जाए। दो से तीन मिनट बाद ढक्कन निकाल देंगे। बीच में हमने ढक्कन निकाल कर एक दो बार चला दिया था, अब हमारे करेले बन के तैयार है। स्पैटुला को फिर से थोड़ा सा चला लेंगे, देखिए हमारे करेले कितने जूसी बने। अब हम एक मुट्ठी धनिया पत्ता को बारीक काट के रखे हैं उसे ऐड कर देंगे और उसे भी मिलाकर अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बस हमारा करेला दो प्याजा बनके तैयार है। देख सकते हो हमारा करेला और प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि ये सब्जी ड्राई है, बहुत ही जूसी है। अब हम इसे निकालकर एक सर्विंग प्लेट पर सर्व करेंगे। आप देख सकते हो कि बहुत ही टेस्टी हमारा करेला की सब्जी बनके तैयार है। यकीन मानिए देखने में ये जितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी आपको उतना ही ज्यादा टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखिएगा ये करेला। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।